हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और पीएचपी के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं। एक और ऑपरेटर होता है, एक एंड ऑपरेटर और एक नॉट ऑपरेटर। और ऑपरेटर को हम और से भी डिफाइन कर सकते हैं रिप्रेजेंट, और ये दो जो बटन्स हैं इसके साथ भी हम इसको शो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक एंड होता है ऑपरेटर, और एंड को हम एंड के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये दो डबल एंड के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। और नॉट के लिए हम सिर्फ ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं। तो इनकी मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पर पीएचपी के अंदर मैं अपनी कोडिंग के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और वेरिएबल के मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ जैसे यूज़र नेम। ठीक है, और इसको मैं एक वैल्यू साइन कर देता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू है ये। ठीक है, बराबर इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ, और एक वैल्यू मैं पासवर्ड रख लेता हूँ, और इसको मैं पासवर्ड भी स्ट्रिंग वैल्यू ही एक दे देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान दे देता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि इफ़, और इस स्टेटमेंट के अंदर मैं पहले कंडीशन देता हूँ कि इफ़ डॉल सॉरी मतलब यूज़र नेम बराबर हो बाबर के, और या आप ये वाला साइन यूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पर सिंपल एंड भी ले सकते हो। तो मैं दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेते हैं, मैं ये वाला लिख लेता हूँ सर। और कहते हैं यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बताता हूँ कि पासवर्ड बराबर हो पाकिस्तान के। ठीक है, मैंने इसको कहा कि अब मैंने इसको कंडीशन दी कि अगर यूज़र नेम बराबर हो बाबर के और पासवर्ड बराबर हो पाकिस्तान के, तो आप ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा दो। क्या करो कि यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, अदरवाइज हम एल्स में इसकी ऑप्शन दे देते हैं कि इको योर इनपुट्स आर इनकोरेक्ट। ठीक है, ये सेव कर लेते हैं। अभी हमारा जो यूजर नेम था बाबर था, पासवर्ड पाकिस्तान था, सो समझने के लिए हमें इनपुट आ रही है। तो आपका यूज़र नेम बाबर के इक्वल आ रहा है और पासवर्ड पाकिस्तान के इक्वल आ रहा है, सो हमारे पास जो प्रिंट होगी स्टेटमेंट वो ये वाली प्रिंट होगी। अगर हमारे पास कुछ भी मिस्टेक होगी तो हमारे पास ये वाली जो है स्टेटमेंट प्रिंट होगी। यहाँ पर एल्स लिखना है, सॉरी। ठीक है, अब इसको मैं सेव करके अब ब्राउज़र में इसका प्रिंट चेक करवा जाता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है यू आर लॉक्ड इन। अब अगर मैं बाबर को भी यहाँ से बाबर भी चेंज कर देता हूँ, यानी कि BAA लिख देता हूँ, तो चाहे यूज़र नेम गलत हो जाए या पासवर्ड गलत हो जाए, तो ये दोनों की स्टेटमेंट को, इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स फॉल्स हो जाती है, तो वो डायरेक्ट इससे जंप लगाएगा और ये एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, योर इनपुट्स आर इनकरेक्ट आ गया। अगर आपका ये बाबर सही है और पासवर्ड में मिस्टेक है, यानी कि पाकिस्तान नहीं है, आई आपने मिस कर दिया, तब भी आप यू आर नॉट योर इनपुट्स आर इनकरेक्ट आएगा। अगर आपकी दोनों चीज़ें सही हैं तभी आप लॉग इन कर सकेंगे, यू आर लॉग इन, अदरवाइज आप लॉग इन नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर मैं एंड की जगह पर ये चीज़ें भी यूज़ कर लूँ, सिंपल एंड भी, तब भी हमारा सेम ही वर्क रहेगा। ठीक है, ये हम चाहे एंड यूज़ कर लें, चाहे वो दो सिंबल्स आपको बताए थे वो वाले भी यूज़ कर लें, तब भी आप कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर और स्टेटमेंट देते हैं, चाहे आप और ये यहाँ से दे दें, चाहे आप ये दो लाइन्स लगा लें, दोनों का काम सेम है, और दे दें, तो इसमें क्या होगा, चाहे अगर आपकी इस वैल्यू में या ये वाली वैल्यू इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये इस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा और इसको छोड़ देगा। यानी कि और ऑपरेटर में आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हो या कोई एक भी ट्रू हो तो ये प्रिंट करवा देगा, लेकिन एंड में क्या होता है कि आपको दोनों वैल्यूज ट्रू चाहिए तो फिर ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बाबर को BBAR लिख देता हूँ तो अभी भी मेरे पास यही वैल्यू प्रिंट कर देगा, यू आर लॉग इन, क्योंकि उसके लिए ये वैल्यू फॉल्स हो गई लेकिन ये वैल्यू तो ट्रू है उसके लिए। तो
तो वो एक ही वैल्यू को देखेगा कि पासवर्ड अगर सही है तो इसको लॉग इन कर दो। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू आर लॉग्ड इन ही आ रहा है, हालांकि हमारा जो यहाँ पे यूज़र नेम है ये गलत है, लेकिन वो हमें लॉग इन कर रहा है। और अगर यहाँ पे बी ए आ रहा है और यहाँ पे आई आप मिस कर देते हैं, फिर भी आप लॉग इन हो जाओगे। सो हम कभी भी लॉग इन फॉर्म के अंदर और ऑपरेटर यूज़ नहीं करते, बल्कि एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट चाहिए होती हैं। अगर आपकी एक भी वैल्यू करेक्ट हो जाती है तो आप लॉगिन कर जाओ, तो फिर सिक्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। तो अब इस वक्त आपकी दोनों जो हैं वैल्यूज़ वो करेक्ट होंगी, तो फिर यही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यू आर लॉग्ड इन, बिकॉज दोनों सही नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर आएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर्स क्या होता है कि आप यहाँ पर आके इक्वल्स के पहले एक ये साइन दे देते, तो ये आप ये कह रहे हैं कि अगर यूज़र नेम बराबर ना हो बाबर के और पासवर्ड बराबर ना हो पाकिस्तान के। अब आप थोड़ी सी उल्ट ऑप्शन उसको दे रहे हैं, ये दे रहे हैं आपके अगर यूज़र नेम बराबर ना हो बाबर के एंड पासवर्ड बराबर ना हो पाकिस्तान के, तो यू आर लॉग्ड इन। हम ये नहीं चाहते कि आप यू आर लॉग्ड इन, यहाँ पर आ जाए यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। और यहाँ पर आ जाए इसके ऑप्शन हम उल्ट कर देते हैं, यू आर लॉग्ड लॉग्ड इन। अब क्या होगा कि वो पहले चेक करेगा कि अगर बाबर के इक्वल नहीं है और पासवर्ड भी बाबर के इक्वल नहीं है तो वो इसके ऊपर चल जाएगा, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा काम। वो क्या करेगा कि अब वो पहले देखेगा कि अगर बाबर गलत है, यानी कि बाबर की वैल्यू सही नहीं है, और अगर पासवर्ड सही है तो वो लॉग इन करवा देगा। इसके लिए हमें यहाँ पर और ऑपरेटर देना पड़ेगा। तो और ऑपरेटर क्यों देना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैं और ऑपरेटर दूंगा ना, तो अब वो देखेगा कि इन दोनों में से कोई एक भी अगर गलत होगी, यानी कि अगर बाबर भी गलत होगा, यानी कि ये वाली गलत होती है, तब भी वो लॉग इन नहीं होने देगा, और अगर पासवर्ड गलत होगा तब भी वो लॉग इन नहीं होने देगा। लेकिन अगर मैं एंड लगा देता हूँ यहाँ पर, तो अगर बाबर गलत है और पासवर्ड गलत नहीं है तो वो फिर भी हमें लॉग इन कर देगा। सो मुझे यहाँ पर एंड नहीं और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे नॉट ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एंड और नॉट ऑपरेटर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद जॉर्ज के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।